Hello students, how are you? I am Mahkar Sir, your English teacher. Students, मैंने आपको present continuous का भी tense करा दिए हैं. आज देखेंगे past continuous. ठीक है? आज date क्या हो गया आपके? चलो देखिए class 11. English second और topic है आज आपका translation. Translation. ठीक है students, translation में आज हमको आपको कराएंगे past continuous tense. कौन सा? past continuous tense. देखिए past continuous, continuous means लगातार जो जारी रहना है ना. जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, वह स्कूल जा रहा था, यानी कि इसकी पहचान क्या है? हिंदी की वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, क्या दे सकते हो? इसी की पहचान. हिंदी के वाक्यों के आदि शब्द आपके. ठीक है स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी? यानी कि सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आपने देखिए. अब पहले क्या देखेंगे, अब हमने आपको बताया कि तीन टेंस के सेंटेंस को हम तीन टाइप से बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. अब देखिए पहला अफर्मेटिव, नंबर वन अफर्मेटिव. अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की पहचान क्या? अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देख लीजिए, यानी कि अफर्मेटिव के सेंटेंस को हम किस प्रकार बनाते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर नंबर है तो वाज और प्लूरल नंबर है तो वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर देंगे. ठीक है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल नंबर यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया आपके पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस सब्जेक्ट, बस बन गया सेंटेंस. कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं. अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए आप, इससे एग्जांपल कोई भी ले लीजिए. अच्छा किताब में से ले लेते हैं, हम अपना पार्ट याद कर रहे थे, हम अपना पार्ट याद कर रहे थे. हम अपना पार्ट याद कर रहे थे, हम हैं तो क्या हो गया? तो आपके सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? हम अपना पार्ट याद कर रहे थे तो वी लर्न की, उसमें लर्न है ना, तो लर्न लर्न में क्या हो जाएगा? आई एन जी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लर्निंग वी वर लर्निंग, हम अपना पार्ट याद कर रहे थे वी वर लर्निंग, तो क्या है? वी है ना सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? आवर, वी वर लर्निंग आवर लेसन
वह अपने कपड़े धो रहा था। यस या नोट टाइप वालों की स्ट्रक्चर क्या होगी?
पेन से, तो हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव मार्क्स सेंटेंस के अंत में लगाना है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था? क्या कल मोहन यहाँ पढ़ क्या कर मोहन यहाँ पढ़ रहा था? तो इसका जब क्या आरंभ है, तो आपके स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, तो इंग्लिश सब्जेक्ट वाज़ या वर, तो मोहन जिनके मध्य में कब क्यों कहाँ कैसे आदि शब्द लगा होता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है जी? सबसे पहले हम इंट्रो वर्ड, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में इंट्रो वर्ड, इंट्रो वर्ड मतलब प्रश्नवाचक वाक्य के अंग्रेजी में सबसे पहले हम बनाने पर इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भाई बाद या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस सब्जेक्ट और अंत में इंट्रोगेटिव आंसर आएगा। देखिए वाई टाइप वालों की जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इंट्रोवर्ड प्लस बाजी वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देख रहे हैं हम, कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा था? कल सारी एक्सरसाइज करें तीनों, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ओके।